सत श्री अकाल दोस्तों, आप सब का स्वागत है साडे चैनल पंजाबी क्लास विच। जी हां दोस्तों, तुहाडा अगला पेपर है साइंस दा यानी कि विज्ञान दा 8वीं जमात वालियां दा। सो असीं तुहाडे लई लेके आए हां बोर्ड दा सैंपल पेपर। जी हां, तुसीं उपर पढ़ सकदे हो अपनी स्क्रीन दे उत्ते वी। ठीक है, जमात 8वीं सबजैक्ट साइंस आ। ठीक है दोस्तों, सो शुरू करदे हां बिना समा वेस्ट करदे होए। सो दोस्तों, ये जिहड़ा प्रश्न पत्र ये भाग तीन भागां विच वंडिया गया है, ऊड़ा एड़ा ते ईड़ी। सो पहले दे विच जिहड़े तुहाडे प्रश्न आउणगे 2 अंकां दे होणगे, फिर दूसरे विच 3 अंकां दे होणगे, फिर जिहड़ा अगला पार्ट है तीजा ओहदे विच 4 अंकां दे प्रश्न उत्तर आउणगे तुहानूं। ठीक है जी, सो आओ शुरू कर। सो भाग ऊड़ा पहला प्रश्न 2 अंकां वाले प्रश्न नंबर 1, कोक दे गुण अते विशेषतावां लिखो। सो इसदा उत्तर कोक एक कठोर मुसामदार अते काला पत्थर है। कोक दी वरतों स्टील दे निर्माण अते कई धातां दे निष्करण लई कीता जांदा है। नंबर 2, अपने आले दुआले शोर प्रदूषण दे सोमियां दी सूची बनाओ। इसदा उत्तर शोर प्रदूषण दे सोमे। नंबर 1, बसां अते कारां आदि दे हारन। नंबर 2, पटाके अते लाउड स्पीकर। नंबर 3, टेलीविजन अते डीजे दी उच्ची आवाज। नंबर 4, रसोई उपकरणां दी आवाज। नंबर 5, फैक्ट्रियां दे सायरन। अगे है नंबर 3, अपने आले दुआले उपलब्ध बिजली मुलम्मित वस्तुओं की सूची बनाओ। ठीक है जी, सो इसकी सूची बनाते हैं। उत्तर नंबर 1 साइकिल दे रिम। नंबर 2 इशनान घरां दीयां टूटियां। नंबर 3 दरवाजे। नंबर 4 बेल्टां ते कपड़ियां दे धात दे बने बक्कल। नंबर 5 बनावटी गहने। नंबर 6 गैस चूल्हियां दे बर्नर। ठीक है जी, सो दोस्तों इंपोर्टेंट क्वेश्चन ने नोट करते चलना। ठीक है जी, वधदे अगले प्रश्न वाल। नंबर 4 ग्रहां तो इलावा सूरजी परिवार के होर 2 मैंबरां दे नाम लिखो। ठीक है जी, सो उत्तर है उपग्रह अते धूमकेतु। ठीक है जी, ये दोनों सूर्य परिवार के ही मैंबर हैं, सो याद कर लेना। अगे भाग एड़ा 3 अंकां वाले प्रश्न। ठीक है जी, हुण सारे 3 अंकां वाले प्रश्न ने थोड़े जिहे वड्डे होणगे, सो इन्हां नूं करदे हां। नंबर 1, राणा गर्मियां लई कमीजां खरीदना चाहुंदा है, उसनूं सूती कमीजां खरीदणियां चाहीदियां हन जां संशलित। कारण सहित राणे नूं सलाह दिओ। ठीक है जी, सो इस नूं हल करदे हां। सो इसदा उत्तर है राणे नूं सूती कमीजां खरीदणियां चाहीदियां हन क्योंकि सूती कपड़ा गर्मियां विच पसीना सोख के वाष्पीकृत कर दिंदा है अते शरीर नूं ठंडा रखदा है। ठीक है जी, सो वादे अगले प्रश्न वाल। नंबर 2, एक पेंडुलम 4 सेकंड विच 40 वार डोलन करदा है, इसदा आवर्त काल अते आकृति पता करो। सो इसनूं हल करना है, इक्वेशन दी गई है, सो इसनूं हल कीता है। उत्तर है डोलन दी गिनती जो है 40, डोलना लई लगा कुल समा 4 सेकंड का लगता है इधर तो उधर जाने लई। ठीक है जी, अवितरी डोलना दी गिनती समा सेकंडा विच। ठीक है, जो बनती है अवितरी 40/4 क्योंकि डोलन दी जिहड़ी गिनती सी ओह 40 सी ते समा सी 4 सेकंड दा। सो अविरती बनती है 10 HZ। सो आवर्त काल इसका बनता है 1/आवृत्ति जो उपर निकली है। सो आवर्त काल बनता है 1/10। सो आवर्त काल नूं जे कैलकुलेट करते हैं 1/10 में बनता है 0.1 सेकंड। ठीक है जी, सैकंड का 10वां हिस्सा। इस तरह पेंडुलम यानी कि सज्जे तो खब्बे जिहड़ा घूमता है। ठीक है जी, सो वधदे अगले प्रश्न वाल। नंबर 3, आकाशी बिजली तो अपनी सुरक्षा दे 3 उपाव सुझाओ। ठीक है जी, तो उत्तर है आकाशी बिजली गरज दौरान टीवी अते तारां वाला टेलीफोन नहीं वरतना चाहिदा। नंबर 2, आकाशी बिजली गरज दौरान घर अंदर या किसी छत हेठां ही रहना चाहिदा है। नंबर 3, आकाशी बिजली गरज दौरान नहाउणा नहीं चाहिदा। ठीक है जी, सो यह है इसका आंसर। नंबर 4, तारामंडल की हुंदे हन। तारामंडल की हुंदा है किसी 2 तारामंडलों के नाल। इसका उत्तर तारामंडल तारियां दे समूह है जो पछाणन योग शक्लां बनाउंदे प्रतीत होंगे। इसके उदाहरण हैं सप्तऋषि, ओरियन अते लियो मेजर आदि तारामंडल। ठीक है जी, इस दे नाल कुछ ना कुछ तारामंडल या सप्तऋषि चमच बन जाता है। इन्हां दा तुसीं अक्सर शायद देखिया होगा आसमान दे विच रात नूं। सो वधदे अगले प्रश्न वाल। नंबर 5, किहड़ियां वख-वख विधियां द्वारा पानी दा प्रदूषण हुंदा है। इसदा उत्तर हेठ लिखियां विधियां द्वारा पानी दा प्रदूषण हुंदा है। नंबर 1, कई लोग कूड़ा करकट पानी नाल वहा दिंदे हन। नंबर 2, कई उद्योगिक हानिकारक सहज उपजा पानी दे स्रोतां विच बिना उपचारित कीते वहा दिंदे हन। नंबर 3, खेतीबाड़ी विच वरते जाण वाले रसायनिक कई वारी पानी विच घुल के पानी दे स्रोतां विच मिल जांदे हन। नंबर 4, घरां दा सीवरेज अते गार आदि पानी दे स्रोतां विच वहाउण नाल वी पानी दा प्रदूषण हुंदा है। सो बच्चे इंपोर्टेंट है वी क्वेश्चन, सो कर लेना। सो अगे है भाग ईडी 4 अंकों वाले साडे वड्डे प्रश्न आ गए ने। सो इन्हों चंगी तरह पढ़ते हैं। सो बच्चों इचों तुहानूं ऑप्शन आएगी। ठीक है जी, जिदा कि ये प्रश्न पढ़दा है पेट्रोलियम निर्माण के प्रक्रम नूं समझाओ जां फिर वर्णन करो मृत वनस्पति ते कोला किस तरह बनता है, ये प्रक्रम की होंदे हन। सो तुहाडे कोल ऑप्शन होएगी ना, दोनों चों कोई एक करना है, पर असीं तुहाडे लई सारे सॉल्व कीते हन, सो इंपोर्टेंट ने, सो देखदे जाणा। ठीक है जी, सब तो पहला नंबर 1 पेट्रोलियम निर्माण के प्रक्रम नूं समझाओ। उत्तर लखां साल पहलां जो समुद्र विच रहण वाले जीवां दे मृत शरीर समुद्र ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਜੰਮ ਗਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਤਹਿ ਨਾਲ ਢੱਕ ਗਏ। ਲੱਖਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਉੱਚੇ ਤਾਪ ਅਤੇ ਉੱਚੇ ਦਬਾਅ ਨੇ ਮਰੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਇਹ ਅਕਸਰ ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਪ੍ਰਕਰਮ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ। ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੱਲ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਵਰਣਨ ਕਰੋ ਮ੍ਰਿਤ ਬਨਸਪਤੀ ਤੋਂ ਕੋਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਕਰਮ ਕੀ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ, ਲੱਖਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਕੁਦਰਤੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਜੰਗਲ ਮਿੱਟੀ ਹੇਠਾਂ ਦਬ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਮਿੱਟੀ ਜੰਮ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਨਿਪੜਤ ਹੋ ਗਏ। ਉੱਚੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਉੱਚੇ ਤਾਪਮਾਨ ਤੇ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਦੱਬੇ ਪੌਦੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕੋਲੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਹੋ ਗਏ। ਕੋਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤ ਬਨਸਪਤੀ ਦੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕੋਲੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਕਾਰਬੀਨ ਕਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ठीक है जी, सो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेना। आगे नंबर 2, लिंगी हार्मोन की हैं, उन्हां दा नामकरण इस प्रकार क्यों किया गया है, उन्हां दे काम दसो। सो इसका उत्तर, जनन अंगां द्वारा पैदा किए गए रसायनिक पदार्थां नूं लिंगी हार्मोन कहंदे हन। इन्हां नूं लिंगी हार्मोन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हार्मोन सेकेंडरी लिंगी लक्षणां लई जिम्मेवार हन अते ये नर अते मादा विचों वक्तो वखरे पैदा हुंदे हन। एस्ट्रोजन ਇਹ ਹਾਰਮੋਨ ਮਾਦਾ ਵਿੱਚ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਦਾ ਵਿੱਚ ਸੈਕੰਡਰੀ ਲਿੰਗੀ ਲੱਛਣ ਜਿਵੇਂ ਛਾਤੀਆਂ ਦਾ ਵਧਣਾ ਅਤੇ ਅੰਡਾਣੂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਟੈਸਟੋਸਟਰੀਨ, ਇਹ ਹਾਰਮੋਨ ਨਰ ਵਿੱਚ ਪਤਾਲੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹਾਰਮੋਨ ਨਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਧਦੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੱਲ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੱਸੇ ਆਪਸ਼ਨ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅਗਲਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ 2 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਕੱਠੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਹਨ। ਊੜਾ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੋ, ਐੜਾ ਮਾਨਸਿਕ ਚੱਕਰ ਕੀ ਹੈ, ਵਰਣਨ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ ਉੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ, ਊੜਾ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ 19 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਜਨਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐੜਾ, ਮਾਦਾ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅੰਡੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ੇਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬੱਚੇਦਾਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਈਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਹੌਲੀਆਂ-ਹੌਲੀਆਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਅਣਨਿਸ਼ਚਿਤ ਅੰਡੇ ਯੋਨੀ ਮਾਰਗ ਰਾਹੀਂ ਲਹੂ ਅਤੇ ਮਿਊਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਹਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1 ਮਹੀਨਾ ਜਾਂ 28 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਸੋ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੱਲ। ਨੰਬਰ 3, ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬੱਲਬ ਨਹੀਂ ਚਮਕਦਾ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਉੱਤਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੱਲਬ ਨਹੀਂ ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲਿਖਣੇ ਹਨ। ਸੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਤਰ। ਨੰਬਰ 1, ਬੀਕਰ ਵਿਚਲਾ ਕੋਲ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੁਚਾਲਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਚੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨੀਚੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਕੋਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੁਚਾਲਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2, ਬੈਟਰੀ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 3, ਬੱਲਬ ਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ 4, ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਢਿੱਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ 8ਵੀਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਸਾਇੰਸ ਦਾ, ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ 16 ਤਰੀਕ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਗੇ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ। ਅਗਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ਾਰਟ ਆਨਸਰ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਲੌਂਗ ਆਨਸਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੋਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਉਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪਤਾ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਤੱਕ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ।